अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे आप सबकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे देखने वाले जहां भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे, ढेरों खुशियाँ दे, और जितने भी मेरे बहन भाई इस दुनिया में बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी वाली औलाद नरीना अता करे, आमीन सुमा आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और अभी जो है ना, हम अम्मी के घर पे ही हैं, अभी अपने घर पे नहीं गए। अभी मैं गई थी घर पे थोड़ी देर, तो फिर जो है ना वापस आ गई हूँ। तो मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। समी जो है ना स्कूल से आते ही, आजकल जो है ना उसको मदरसे से छुट्टियाँ हैं, तो वो आते ही जो है ना बाहर खेलना शुरू कर देता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान के रोज़े जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, बादल छाए रहते हैं। तो सुबह जब समी स्कूल गया है तो तब तो धुंध भी पड़ी हुई थी, तो इतनी ठंड लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो बहुत ठंडा मौसम है। तो रोज़े जो है ना रमज़ान के माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना चने की दाल बॉयल हो रही है, तो आज मैं अफ्तारी में जो है ना चने की दाल बन रही है, मेरी फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक से खाती हूँ। तो अभी जो है ना ये बॉयल हो रही है, इधर जो है ना तड़का बना लेते हैं दूसरे चूल्हे पे जल्दी जल्दी। तो सिस्टर यहाँ पे जो है ना आटा गूंद रही है, तो मैं जो है जल्दी जल्दी यहाँ पे दाल का तड़का बना लेती हूँ, फिर रोटियाँ बनाते हैं। आज जो है ना हमारी इफ्तारी ये दाल और रोटी से ही होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये गर्म हो गया था तो मैंने प्याज डाल दिया, तो प्याज ब्राउन होती है, तो फिर आगे भी बताती हूँ कि क्या डालना है। प्याज ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया, जब तक प्याज ब्राउन होता है तब तक अदरक लहसुन है ना पीस लेते हैं, साथ में सब्ज मिर्ची है लहसुन भी निकाल लेते हैं पीस से। ये देखें अम्मी ने जो घर पे लहसुन हमने लगाया हुआ था वो कितना छोटा छोटा है, थोड़ा सा डाल लेते हैं। अम्मी ने जो है ना कल पूरा दिन इसी को लगी रही है, छील के रख दिया है फ्रिज में, तो अभी थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। प्याज ब्राउन हो गए तो अब अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची का डाल देते। तो आज जो है ना मैं टमाटर को भी कूट के डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना फ्रिज में रखा होता है, फिर जो है ना अच्छे से पकता नहीं है, इस वजह से मैं इसको जो है ना हल्का सा पीस लूंगी। सब्ज़ मसाले को जो है ना मैंने अच्छे से भून लिया, तो आप नमक मिर्च डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो फ्रिज में तड़के को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, तो आप जो है ना दाल बीच में डाल देते हैं। दाल जो है ना मैंने डाल दी है, दाल जो बॉईल की थी वो पानी से मैंने धो के अच्छे से, तो फिर बॉईल करने के लिए रखी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही पानी भी और दाल भी है बीच में ऐड कर दी है। दाल भी पक रही है, साथ साथ मैंने कहा जेली भी बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जेली के लिए मैं पानी रख रही हूँ 2 कप। जेली का ना मेरे पास यही वाला फ्लेवर बचा है, येलो वाला और पिंक वाला जो है ना मैंने बना ली थी, तो अब यही वाला फ्लेवर बचा है, तो ये आज बनाती हूँ कैसी बनती है, क्योंकि ये भी मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। येलो वाला और पिंक वाला तो पहले इसका कलर ज्यादा अच्छा लगेगा, इसका कलर ज्यादा अच्छा लगेगा ना। अच्छा बना के देखते हैं ना। वो स्ट्रॉबेरी वाली एक होती है और येलो वाली पता नहीं किसकी, वो मैंगो वाली थी, मैंगो वाली थी, उसका टेस्ट भी अच्छा था और कलर भी अच्छा आ रहा था, बहुत अच्छा टेस्ट था उसका।
तो इसका भी आज देखते हैं कैसा है। सिस्टर कह रही है इसका कलर ज्यादा प्यारा लगेगा ना, तो देखो पिंक के साथ ना। हाँ जी, तो अभी बनाते हैं। तो ये मैंने जो है ना शरबत बनाना है, तो इसलिए जो है ना मैं जैली बना रही हूँ। साबुदाना भी मैंने अभी बॉइल करना है। तो हमने जो है ना आज और कुछ नहीं बनाया, पकौड़े समोसे कुछ भी नहीं, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का खाने का, तो फिर जो ना इस वजह से हमने बनाया ही नहीं है। तो आज इफ्तारी में यही बस होने वाला है, दाल रोटी और साथ में ये जो हम मिलक बनाते हैं ये वाला बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकई में कलर प्यारा आ रहा है ना जेली का। मैंने आपको पहले कहा है कि वो कलर ज्यादा अच्छा आना है, कि उसमें तो ज्यादा अच्छा लगेगा पिंक के साथ। हाँ जी, दूध में अच्छा लगेगा ना। जल्दी प्यारा लग रहा है ना कलर। हाँ जी, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर लग रहा है। रोजा यहाँ पे जो है ना अवतार होने वाला है माशाल्लाह। 10-15 मिनट रह गए हैं बस। तो मम्मी को मैंने जो है ना फ्रूट काटने का काम दे दिया, मैंने कहा आप बैठ के जो है ना फ्रूट काट दे। सिस्टर यहाँ पे मिल्क बना रही हैं। साबुदाना जो है ना बॉईल हो गया है। यहाँ पे हांडी जो है ना हमारी अभी तक नहीं बनी, तो दाल जो है ना अभी कच्ची है, थोड़ी देर है, तो मैं जल्दी से जो है ना रोटी बना लेती हूँ, तब तक जो है ना दाल भी पक जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखते जी माशाल्लाह जैली हमारी तैयार है। तो अब जो है ना मिलक के बीच में डालते हैं। तो अब जो है ना मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना रोटियां बना लेते हैं। तवा हमारा जो है ना वो काफी गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाह। रोजा अफ्तार हो चुका है, तो मैं रोटी बना रही हूँ। तो समी के बाबा ने जो है ना मेरा रोजा अफ्तार करा दिया है, तो अभी जल्दी से बस। समी वाला जो है ना अपना लैदा ही एक सेटअप लगा के बैठा हुआ है अलग से पीढ़ी के ऊपर। क्या हुआ है? एक खजूर रखी हुई है, दूध साथ में दाल का सालन और दही। सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं सकती जान से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह अभी हम खाना खाते हैं। इधर समीउल्लाह के बाबा ने जो है ना अपने लिए चूरी बनाना शुरू कर दी है। दाल पकी हो तो समी के बाबा जो है ना चूरी ना खाएं, ऐसा हो सकता है? तो जिस मेरे बहन भाई ने खाना खाना है वो भी आ जाए हमारे साथ जो है ना बैठ के खाना खाए, तो भी हम जो है ना खाना खाते हैं। चलो माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना अफ्तारी हो चुकी है, खाना पीना भी हमारा जो है ना सब हो चुका है। देखे बर्तन खाली पड़े हुए हैं, तो सब उठ गए हैं, तो मैं अभी तक बैठी हुई हूँ फ्रूट खा रही हूँ। तो आज की वीडियो का यही बयान करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखे, हमें दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफिज़।